ठीक है। एक को मार कर पैसा लेना नहीं होता है, धंधा चौपट हो गया है। मालिक मणि मत्तू आ गया। मालिक, हमारे पैसे को चुरा कर ले गया। मालिक ले गया। मालिक कोई नया इंस्पेक्टर यहाँ ज्वाइन करने आ रहा था। मालिक हाँ मालिक ऐसा है तो ये फिर ये कौन है? मैं नहीं पता है मालिक। एक कैच कर दूंगा ना, काली को फोन लगा। काली, मालिक तुझसे बात करना चाहते हैं। काली लाइन पर है। हाँ बोलिए मालिक। कोई तो एक नया इंस्पेक्टर आया है, उसने हमें धोखा दे दिया है। क्या बोलते हो मालिक? उसे ढूंढ कर निकालो, वो कहीं भी हो। अपने आदमियों को लेकर जाता हूँ और उसकी लाश को लेकर आता हूँ। काली, मैं उसे साधारण समझकर धोखा खा लिया। वो बहुत शातिर और चालाक है। हेलो दावा जी। अरे मामो, हाईवे रेस्टोरेंट में मैं वेट कर रहा हूँ। तुम किधर हो? जिस काम से गए थे वो काम पूरा हो गया ना? हेलो सुपर चोपर मामो, जल्दी आ जाओ। मालिक वो लोग आपको फोन करने के लिए बोले। मैं बोलता हूँ। हाँ मालिक। क्या मैं बोलूँ, पैसा तो चला गया है। कल अगर कुछ परेशानी होगी तो क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा ना। आपका भी कहना ठीक है मालिक। ये क्या बड़े खुश नजर आ रहे हो? वैसे ढाबा की दुकान में नहीं जाना है क्या? तुमसे मिल गया एकदम दिल वापा हो गया। अरे ये आराम से करने वाला काम नहीं है दावा जी। फंक्शन की याद आती है ना तो ये दिल ना झूमने लगता है। जाते मामा जाते, आज तो फूल फल सब एकदम। दामाद जी तुम्हारी स्पीड को देखकर लगता है कि कुछ बचने वाला नहीं है। तुमने तो लूट लिया ना सब। अब ये जो माला है ना इसे उतार दो, हम नाचेंगे एंजॉय करेंगे। मामो क्या बात है दामाद जी, औरत को देखते ही गाड़ी रोक ली। अरे ठहरो मामू, देखते हैं जरा। अरे गाड़ी चलाओ ना। अरे बेचारी तकलीफ में है। अरे पीछे ले रहा है ये। अरे अरे आगे लेनी है। अरे अरे सुन रहे हो तुम? औरत देख नहीं कि रिवर्स गेट डाल दिया। क्या प्रॉब्लम है सर? हाँ लगता है गाड़ी हीट हो गई है। अगर आप गलत नहीं समझे तो मैं देख सकता हूँ कि तकलीफ क्या है इसके अंदर। 2-3 घंटे से गाड़ी को कंटिन्यू चला कर आए थे, अचानक से रुक गई है। क्या है पता नहीं, स्टार्ट नहीं हो रही। ऐसा है क्या? तो मैं देखता हूँ जरा। हाँ दामा जी एक छोटा सा डाउट आया। पूछो क्या? क्या तुझे गाड़ी ठीक करनी आती है क्या? मैकेनिक है तू? डोर खोलते ही तू अंदर घुस जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, और फिर क्या गाड़ी ठीक हो जाएगी? अब चुप हो जाओ। दामा जी कार को देखेगा तो दिखेगा, लेकिन कार के अंदर देखने से क्या होगा? चल जल्दी से काम खत्म कर और चल यहाँ से। मदद करना, कोई गलत तो नहीं है ना? दामाद जी जरा इधर देखो, ये जो काम है ना ये एक मैकेनिक का ही काम है, समझे? तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू मदद के लिए नहीं किसी को परेशान करने के लिए उतरा है। मामू अपना दिल बहुत बड़ा है और अच्छी शक्ल वाले की तो अपन ऐसे ही मदद करते हैं। अरे दामाजी दामाजी कार को देखते ही हिसाब में जोड़ दिया। मैडम कार रेडी है, ये लीजिए। किस लिए मैडम? कार को रिपेयर किया ना इसके लिए। मदद करके पैसा लेने की आदत नहीं अपने को। वैसे आप काम क्या करते हैं भाई? इस अनाथ को जो काम मिलेगा करेगा। मेरी विजिटिंग कार्ड को दे दो। इस एड्रेस पर तुम दोनों कल सुबह 10 बजे आ जाना, दोनों को काम देने के लिए बोलती हूँ। ठीक है मैम। दामा जी ये देखो, कहीं गांजा की तस्करी, कहीं चरस की तस्करी, नहीं तो कोई बच्चे को किडनैपिंग हो रही है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस देश में। देखो हाँ पढ़ो, देखो तुम पढ़ो इसको। शहर में आजकल बच्चों को अगवा करने का काम काफी बढ़ गया है। जिन घरों में बच्चे हैं पहले से ही निशाना। दामा जी अरे उधर देखो, मैना दौड़ दौड़ के आ रही है, ताजी मैना। अरे क्या मस्त लग रही है। अरे देखो तो सही, अरे नारियल पानी भी फीका है इसके सामने तो। अरे देखो तो सही, अरे एक छोटा लड़का गलत करके आ रहा है, उसे पकड़ने की सोचने के बजाय तुम नारियल पानी पी रहे हो, छोड़ो इसको। अरे नारियल पानी मेरा।
अरे मर गया रे। ये तुमने क्या किया है? मेरा नारियल पानी गिरा दिया तुमने? बुजुर्गों की तुम्हारी हरकत है क्या? मैंने कब बोला कि मैं बड़ा आदमी हूँ? मैडम छुट्टी बोल रहे हैं। चोर नहीं है क्या? किसे चोर बोल रहा है? तो फिर 25 रुपए का नारियल पानी वेस्ट हो गया क्या? 25 रुपए के नारियल की पड़ी है इसको? खुद को बहुत ज्यादा समझ रहा है। चलो दोनों पुलिस स्टेशन चलो। अरे मैडम, इस तिल से मामले को पहाड़ जैसा क्यों खड़ा कर रही हो तुम? कौन सा तिल सा मामला? ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस है। अरे बाप रे दमाजी। वैसे अरे चुप कर, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बताती हूँ, 2834 SI जानू बोलते हैं मुझे। इस एरिया में सब जानते हैं मुझे। अरे दमाजी, 28 और 34 का मतलब क्या है दमाजी? ये बॉडी फिटनेस है मामू, ऐसा रहने से पुलिस में भर्ती होती है मामू। पर मेरे को ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मामू। ए क्या फुसफुसा रहा है तू? अरे चलो चलते हैं ना। ए रुक रे, इसका चेहरा तो देख, शक्ल से तो पूरा चोर चक्के जैसा दिखता है। मुझे तो इस पर भी शक हो रहा है। चलो मैं बोल रही हूँ, ए उठना चल उठ। अरे ये क्या? जा देख लेंगे मामू। आग लगा गई, दिल को छू गई। दामाजी उस यूनिफॉर्म में कुछ ज्यादा घमंड से बात नहीं कर रही थी वो? फटे हुए 10 रुपए की नोट की तरह दिखती है और कितनी आवाज करती है, जैसे कोई हूर की परी हो। मामू तरक्की करने वाली लड़की के बारे में ऐसा मत बोलो मामू, घमंडी लड़कियां ये अक्सर बहुत सुंदर होती है। क्या हो गया तुझे? आज तो कोई अमावस्या भी नहीं है और इतने में ही तेरा दिमाग फिर गया? मामू तुम्हारी उम्र चले गई, अब समझ में नहीं आएगा तुमको? मुझे समझ में नहीं आएगा? बोल बेटा बोल, अब जरा ध्यान से सुन। ब्रह्म मुहूर्त में 3-3 जलेबी पूरी की पूरी खाई है मैंने, समझे? नीचे का दिख रहा है तुम? हाँ मैं और हीरो। दीदी आइए बैठिए ना। खड़े क्यों हो? मैंने बोला था ना बैठने के लिए। चलेगा दीदी। ये इज्जत डील और करने वाले काम में रहेगी तो अच्छा रहेगा। बैठिए दामाजी। अरे बैठिए मैडम। मैं बैठू क्या? आप जो काम करते हो उसमें व्यस्त रहने के लिए इतना काफी है। तुम मेरी कार के ड्राइवर बन जाओ और तुम्हारे मामा गार्डन को मेंटेन करेंगे। ठीक है दीदी। ठहरने के लिए आउट हाउस है, वहीं पर ठहर जाइए। मेरे हिसाब से पंचुअलिटी और परफेक्शन बहुत अहम है। जरूर, हम वैसे ही चलेंगे। क्या बोलते हो दामाजी? हाँ दीदी। मल्ली से मैं बोल देती हूँ, आप आउट हाउस में जाकर रेडी हो जाइए। ठीक है ना दामाजी? मल्ली है वो, नाम बहुत ही बढ़िया है, शायद दिखने में भी बहुत अच्छी होगी। क्यों मामू, थोड़ा भी अकल है क्या? यहाँ काम करने को आए हैं, वहीं पे अपना काम दिखाओ क्या? दामाजी तुम ऐसे बोल रहे हो क्या? हाँ, माँ ने बोला था वो ड्राइवर कब आएगा, मेरा काम कब होगा। हाँ, लगता है वो लोग आ गए। ये मल्ली है क्या? अच्छी दिख रही है यार। आइए आइए, मालकिन ने फोन किया था। हाँ। आउट हाउस में आप लोग आएंगे क्या? आप लोग हैं वो? हम लोग ही हैं। आइए आइए बैठिए। बैठिए ना। अरे बाप रे दमाजी, शांत रहने से भी मन को छू लेती है। तुम किसे बोल रहे हो मामू? अरे मैं इस घर को देख के बोल रहा हूँ। दीदी की बेटी की तबीयत को क्या हुआ? अब मैं आपको क्या बताऊँ, दीदी इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही है। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं हो रहा है, मालकिन का बच्चे पे बहुत प्यार है। अच्छा, वैसे वो मालकिन क्या काम करती है? वो क्या है, मुझे उनके काम के बारे में कुछ पता नहीं है, मेरे दिमाग में तो उनकी बातें भी नहीं घुसती, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। धन दौलत? अरे धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। दामाजी, दीदी के सारे बिजनेस को संभालती है। क्या बोले? औरत है इसलिए ऐसा मत सोचो, 20 मर्दों के बराबर है वो। वैसे तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे काम करने की जगह पे काम करने वाले के बारे में पूछना ही ठीक रहेगा ना। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, ये घर ही मेरा सब कुछ है, इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ। बहुत अच्छे से बात करती हो, काफी जानकारी है तुम्हारे पास। और क्या, अगल बगल के होने वाली खबरों की जानकारी रखना अच्छा होता है। हाँ। अरे बाप रे, तमिल फिल्म की हीरोइन जैसी दिखती है, बात भी अच्छी करती है तो। जो भी मुझे देखता है मेरे बारे में ऐसे ही बोलता है। इतनी सुंदर कन्या कौन पसंद नहीं करता? मैं सुंदर हूँ क्या? अरे हाँ,
पूछने वाला कोई और नहीं है क्या? कभी लॉटरी लगी ना तो सिनेमा बना के तुमको ही मैं लूंगा अपनी हीरोइन। थैंक्स। देखो इस बेचारी के लिए इंग्लिश भी जरूरी है क्या? आप ना मुझे बहुत अच्छे लगे हो, आपकी बातें भी मुझे बहुत मीठी मीठी लग रही है। कहानी खत्म, तुम सुधरोगे नहीं। कहाँ रखो? अंदर जाके रखो। ठीक है। टाइम हो गया है, माँ जी डांटेंगी, मुझे खाना भी बनाना है, आप लोग भी आ जाओ खाने पर। ए, इसका रूप और बदन बहुत तंदुरुस्त है। ए मामा, यहाँ जिस काम के लिए आए उस पे ध्यान दो, बाकी कामों पे ध्यान मत दो, समझे? मामा जी तुम बस पैसे लूटने के बारे में सोचो।